रुख करते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। आपको बताएं कि थाना कोटली लोहारा के इलाके बिलावाला से नामालूम नौजवान की झुलसी हुई लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सियालकोट मुंतकिल कर दी गई। सियालकोट में थाना कोटली लोहारा के इलाके बिलावाला से नौजवान की झुलसी हुई लाश बरामद हुई। इतला मिलने पर थाना कोटली लोहारा के SHO मलिक नदीम मुनावर मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम नौजवान को पहले गोली मारकर कत्ल किया गया, बाद में इस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई ताकि लाश की शनाख्त न हो सके। लाश बुरी तरह झुलसने से नाकाबले शनाख्त हो गई। थाना कोटली लोहारा के SHO मलिक नदीम मुनावर ने मौके पर पहुँच कर शवाहिद इकट्ठे किए और लाश को मजीद कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल सियालकोट मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सक्कर में पुलिस का कच्चे में कामयाब ऑपरेशन दो मुखी बाजियाब। SSP पुलिस तर्जमान के मुताबिक एक माह कब थाना दादलाऊ की हदूद से अगवा होने वाले मुखबी कामरान कुराई और मजीद गबोर को पुलिस ने कच्चे में ऑपरेशन के दौरान बाहिफाजत बाजियाब कराया। तफसीलात के मुताबिक डाकू ने मुखबी कामरान कुराई को तकरीबन एक माह कबल जबकि मजीद गबोर को एक हफ्ता कब दादलाऊ की हदूद से अगवा किया था, जिसके बाद मुखबी को सक्कर और घोटकी के सरहदी इलाके कच्चे मुंतकिल किया और मुखबियों की बाजियाबी के लिए वर्सा से भारी तावान तलब किया था। SSP सक्कर सिंगार मलिक की सरबराही में सक्कर घोटकी सरहदी इलाकों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया। ऑपरेशन के नतीजे में पुलिस ने मुखबी पर कार्रवाई करके कच्चे के इलाके से मुखबियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। मकली शाह लतीफ कॉलोनी में 9 रोज का पुलिस के हाथों गिरफ्तार नौजवान अनायत हुसैन खुश के वर्सा की पब्लिक पार्क से नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चों और मर्दों ने पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। रैली की क्यादत अनायत हुसैन खुश के वालिद वालदा और जोजे ने की। वर्सा का कहना था कि मकली पुलिस ने नौजवान अनायत हुसैन खुश को लापता कर दिया गया, जिसकी वजह से हम सख्त परेशान हैं। अनायत हुसैन खुश की हाल ही में शादी हुई है और उसको 9 दिन से गायब किया हुआ है। पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं। उन्होंने मुतालबा किया है कि पुलिस फौरी तौर पर नौजवान की बाजियाबी को यकीनी बनाए। A1 TV के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।